धर्मजयगढ़ विकासखंड के कापू क्षेत्र की सड़कों का हाल बुरा होने के कारण क्षेत्र वासियों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों को कई कई दिन तक स्कूल नहीं जा पाते सड़क खराब होने के कारण। आपको बता दें, जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता से इस क्षेत्र के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित नजर आ रही है। वहीं आदिवासी बाहुल्य अंचल क्षेत्र धर्मजयगढ़ विकास खंड में मूलभूत सुविधाओं की असलियत कापू इलाके की बदहाल कच्ची सड़कें बयां कर रही है, जहां के लोगों को आज भी सड़क के लिए तरसना पड़ रहा है। सलखेता, कुमरता, गितकलो, बैरागी, बांझियामा, पथलगांव, खुर्द, पोड़ी, चिखलापानी सहित अन्य इलाके के लोगों को कापू, धर्मजयगढ़ और पथलगांव आवागमन करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि इन गांव के ग्रामीणों के लिए अन्य मार्ग भी है, किंतु अधिक दूरी व घुमावदार रास्तों की वजह से क्षेत्र के ग्रामीण फरसा होकर ही कापू तक का सफर तय करते हैं। इस सड़क के विषय को लेकर जब कापू पढ़ने जाने वाली छात्राओं से सड़क के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया, सड़क पर पैदल चलना भी दूभर है। बरसात के दिनों में तो स्कूल जाना ही बंद हो जाता है। उबड़ खाबड़ इस रास्ते से मजबूर होकर क्षेत्र के बच्चे अपने भविष्य को संवार रहे हैं। वहीं आवागमन करने वाले बाइक चालक ने बताया, इस सड़क को लेकर कई बार सरपंच, सचिव सहित क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया गया, किंतु किसी भी जनप्रतिनिधि ने सड़क को बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस कच्ची सड़क पर दुर्घटना होना तो आम बात है। रास्ता खराब है, पूरा पानी भर जाता है, गड्ढा उड्ढा, तो आने जाने के लिए नहीं बनता है। तो इसके लिए कभी मांग वगैरह नहीं की आप लोग की रास्ता बने? मतलब 10 साल हो गए, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होता है। सरपंच बोल चुके, विधायक कोई बोल चुके, कोई सुनवाई नहीं होता। गुरुचरण सिंह, राजपूत, धर्मजयगढ़, रायगढ़।